रूम से निकल गया, थोड़ा मैं बाहर गया था, मैं कहा चलो थोड़ी वॉक वगैरह हो जाए। और भाई वेदर धूप तो है पर ठंडा वेदर है। ये देखो आया था इस साइड को मैं, और ये देखो यार क्या जबरदस्त व्यू है भाई, जबरदस्त यार, अमेजिंग। थोड़ा जूम कर ले जाए वो देखो, ये बिल्कुल टॉप में हम भाई होटल में, बिल्कुल टॉप में, बिल्कुल टॉप 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 बिल्कुल। और सब कुछ है भाई हमारे से नीचे, तो हम राजा हुए इस होटल के। ये देखो भाई अमेजिंग है यार, व्यू देखो यार जबरदस्त भाई। आप ना यार इस टाइम ऐसा फील करोगे ना यार, देखो आपसे सब नीचे है, बिल्कुल टॉप में है यार वो देखो हिल, वो मकान सारे हाउसेस मंदिर, वो देखो पहाड़ सबसे ऊपर टॉप में हम ही बैठे हुए इस टाइम, और ऐसा सा व्यू दिखता भाई यहाँ का। ये अपना स्विमिंग पूल आ गया, इधर रेस्ट एरिया गया साइड पे, इस साइड यहाँ पे बाहर था कल रात को, आज तो नहीं है। और ये देखो भाई है अमेजिंग, जिंदगी जियो भाई खुल के जियो, अदरवाइज जियो ही ना। तो इधर आया था यार मैं सन बात लेने पहली बार, वो भी स्विमिंग पूल वाली साइड को, अभी आऊँगा भाई थोड़ा करेंगे मस्ती, तो करनी पड़ी भाई। स्विमिंग पूल आए हैं और मस्ती ना करें ऐसा हो नहीं सकता, दीवान आए और स्विमिंग ना करें, तो स्विमिंग तो करेंगे भाई यार। बहुत तगड़ा होटल है रेडिसन ब्लू धर्मशाला, व्यू देखो यार ऊपर का है ना जबरदस्त, कौन नहीं आना चाहेगा यार यहाँ पे। सब आओ भाई एंजॉय करो, फैमिली के साथ आओ और फुल एंजॉय करो, मैसिव एंजॉय। ऊपर वाले एरिया में बहुत बारिश कर रहे हैं, क्या हो गया बर्फबारी हो रही है, तो देखते हुए जाके ही पता लगेगा वहाँ पे हो भी रही है नहीं हो रही है। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद ही जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते ही करते हैं इस होटल को रेडिसन ब्लू, यहीं पे टाटा बाय बाय, और चलते हैं भाई कहाँ डलहौजी। ओके बाय, टिल देन गुड बाय। तो कहते हैं दोस्तों इस होटल को यहीं पे अलविदा बाय बाय, और भाई अब हम निकलने लगा हूँ डलहौजी के लिए, और भाई डलहौजी जाएंगे मजे से, सुना है वहाँ पे स्नोफॉल हो रखी काफ़ी हाइट में, तो भाई चलते हैं चेक करते हैं कैसा डलहौजी का वेदर, देन गो। ओके बाय बाय। और ये बताना तुम्हारा भाई कैसे लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है नहीं लग रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ओके डन बाय। चलो दोस्तों करते हैं इस होटल को यहीं पे अलविदा, और भाई निकलते हैं हम नीचे की तरफ को, और देखो यार कैसा रोड है, डाउन हिल रोड, मजा आ रहा है भाई की ड्राइव करके, आप एंजॉय करो भाई, लुत्फ उठाओ इस रोड का और यहाँ पर आओ। ये लो भाई वे टू आगे हम डलहौजी भाई, पूरी हाइट है, सामने देखो क्या व्यू है यार, पहाड़ों के बीच में हल्की हल्की बर्फ की चादर दिख रही है, दिख रहा भाई अमेजिंग है यार, अमेजिंग व्यू है यार। देखो कोरे भाई साहब भी जा रहे हैं, क्यों कैसा लगा दोस्तों व्यू ही, और आना भाई यहाँ पे जो आ सकता है आ जाओ, अभी वेदर है तो आ जाओ फटाफट, अपनी गाड़ी उठा के बैग पैक करके, अगर बैग पैक नहीं होता तो यहीं से कपड़े मिल लो, खरीद लो, यहाँ मिल जाएंगे आपको बहुत सारे कपड़े, अल्टीमेट जगह यार, आ जाओ।
बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं। अब डलहौजी यहाँ से 62 किलोमीटर रह गया यार, बस जल्दी से आ जाए। रोड बहुत छोटा है यार, ड्राइविंग करने में थोड़ा मुश्किल आ रही है, पर कोई ना, करते जा रहे हैं। यहाँ से 62 किलोमीटर है और जल्दी हम पहुँच जाएंगे 2 घंटे में डलहौजी। ये देखो जी भैया, HRTC HPTC बस है ना। तो चलो यार ड्राइविंग कंसंट्रेट करते हैं, ब्लॉग व्लॉग तो बाद में बना लेंगे, नहीं तो बाद में अपना ब्लॉग बन जाएगा। ये देखिए यार क्या चीज है भाई, खतरनाक चीज भाई, पूरी लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। देखो रॉक्स, देखो कि तगड़े तगड़े रॉक्स है दिख रहे हैं। ये देखो ये वाला रॉक तो बहुत ही जबरदस्त है, और ये आ गया पहाड़ी वाला, ये दिख रहा है जबरदस्त चीज है भाई, जबरदस्त। जबरदस्त है यार वो छोटे से दिख रहे, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यार ये चीज बहुत ही गजब की चीज है, जबरदस्त कहते हैं ना इसे, वो चीज है भाई। यहाँ पे मतलब हम टॉप ऑफ पहाड़ पे है, बिल्कुल हमसे ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, बस ये वाला पहाड़ है हमसे ऊपर, बस वही और कोई नहीं है यार। एक ब्रेक ले लेता हूँ, बहुत देर से ड्राइव कर जा रहा हूँ, ब्रेक नहीं लिया बिल्कुल भी, और पैर भी दुखने लग गए थे, और इसी बहाने एक कॉफ़ी हो जाएगी, तो पीते हैं कॉफ़ी का कप एक और मिटाएंगे अपनी थकावट दूर। तो चलो दोस्तों चलते हैं कॉफ़ी हाउस। और दोस्तों हम कर चुके हैं ग्रैंड एंट्री फॉर फॉर्च्यून फॉर्च्यून डलहौजी। ये देखो भाई क्या व्यू लग रहा है ना, ज़बरदस्त। और अभी आपको रूम दिखाता हूँ यार, रूम तो और भी खतरनाक है, जो पहले वाला धर्मशाला वाला होटल था उससे तो और भी जबरदस्त था रूम। ये देखो कैसा लगा भैया, है नज़ारेदार, तुम भी आना भाई यहाँ पे, वो देखो ओए हो। चलो चलते अंदर रूम के, देखते कैसा है। ये देखो जी कैसा लगा भाई आपको व्यू, देखो यार क्या जबरदस्त व्यू है, अमेजिंग। और ये नीचे का भाई, ये कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है यार, पूरे हिमाचल में कश्मीर वाली फीलिंग दिख रहा। और भाई साहब पूरा रोड, आज कल हम जाएंगे उस रोड पे, वहाँ है खजियार जाएंगे। वो देखो भाई दूर दूर बड़े बड़े होटल और रेजिडेंस एरिया सारा ये। और दोस्तों ये देखो अपना रूम, यहाँ से होती है अपने रूम की एंट्री, जबरदस्त। बिजनेस क्लास रूम है दोस्तों, ऐसा ही नहीं होता बिजनेस क्लास रूम। देखो ये आइए, हमारे भी आ गए। ये देखो है चीज, सबसे पहले वॉशरूम देख रहा है कैसा है, जबरदस्त है भाई। कल नहाऊंगा इसमें पानी गर्म करके, ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और ये है हम, और रूम देखो यार कैसा है, कैसा लग रहा रूम, ये है ना जबरदस्त चीज। और इससे बढ़िया चीज दिखाता हूँ यार, ये देखो भाई यहाँ से व्यू देखो यार, क्या जबरदस्त व्यू आता है यार, मान गए भाई पहली बार भाई इस टाइप के होटल में आया हूँ। फॉर्च्यून तो बहुत भी गए हैं, काफी बार फॉर्च्यून में गए, पर ये वाला सबसे जबरदस्त रहा फॉर्च्यून वालों का, रेडिसन से ज्यादा बेटर रही है। रूम देखो यार, वॉशरूम देखो भाई, वॉशरूम क्या जबरदस्त है यार, अमेजिंग दीवान, अमेजिंग दुंदर, ये बहुत खतरनाक बंदे हो। ये है दोस्तों अपन का होटल फॉर्च्यून पार्क डलहौजी। और ये देखो इस टाइप कुछ कैसे दिखता है यार, ये वाला एरिया दिख रहा, होटल फॉर्च्यून जबरदस्त है भाई।